हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, देखिए स्टार भारत का शो राधा कृष्ण में आज क्या हो रहा है। जैसे कि आपने परसों के एपिसोड में देखा था कि बलराम राधा के पास से पत्र लेके लौट गया है, तो आज वो कृष्णा के पास पहुंचते हैं। तभी बलराम के पीके की रस्म होने लग जाती है। तो वो पहले अपना तिलक करता है और उसके बाद वो कान्हा को वो पत्र देता है। कान्हा वो पत्र पढ़ता है, जहाँ तक राधा ने पढ़ा होता है उसी से आगे वो पत्र पढ़ता है, और पत्र पढ़ते ही उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो बलराम बोलते हैं कि देखो कान्हा, आपके आंखों में भी आंसू आ गए, तो सोचो कि राधा कितनी परेशान होगी, राधा कितनी चिंतित होगी ये पत्र पढ़ के। तभी उधर राधा को एक अजीब सी अनुभूति होती है और वो बोलती है कि लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि कृष्णा रुक्मणी के पास जा रहा है, मेरी कसम पूरी करने जा रहा है, ऐसा वो बोलती है। और उधर से दाऊ और कृष्णा निकल जाते हैं रुक्मणी के पास जाने को। तभी उधर रुक्मणी भी निकल जाती है कुलदेवी की मंदिर पूजा करने के लिए पूरी सेना के साथ और शिशुपाल के साथ। जैसे ही वो मंदिर पहुंचते हैं तो शिशुपाल भी अंदर जाने के लिए बोलता है, तो रुक्मणी बोलती है कि नहीं, आप यहीं पर रुकिए, अगर आप अंदर आओगे तो हमारी कुल देवी रुष्ट हो जाएगी, क्योंकि हमारे कुल के अलावा अंदर कोई नहीं जा सकता। ऐसे कह के शिशुपाल को रोकने की कोशिश करती है, बट शिशुपाल नहीं मानता। बाद में वो मान जाता है और बोलता है कि ठीक है, आप तो हमारी शादी होने ही वाली है, तो आप अंदर जाओ, पूजा करो और मैं बाहर पे ही प्रतीक्षा करता हूँ। ऐसा कह के वहीं रुक जाता है और रुक्मणी अंदर चली जाती है एक दासी के साथ, और दासी को अंदर जाके द्वार पे खड़ा कर देती है और बोलती है कि मैं माता के गर्भ में जा रही हूँ, और जैसे ही कृष्ण आएगा तो तुम मुझे इशारा कर देना। और अब वो दासी बोलती है कि अगर कृष्ण नहीं आएगा तो फिर, तो रुक्मणी बोलती है अगर कृष्ण नहीं आएगा तो माता के गर्भ से मैं बाहर नहीं आऊँगी, यहाँ से मैं नहीं, मेरा अर्थी उठेगी, मैं नहीं जाऊँगी, ऐसे बोलती है रुक्मणी। तभी उधर से कान्हा आ जाता है और अंदर जाती है रुक्मणी और पूजा करती है, और उसे लगता है कि शायद कृष्णा नहीं आएगा, तो रोने लग जाती है, पूजा करते करते गिर जाती है। तभी कृष्णा आ जाता है और उसे एहसास हो जाता है कि कृष्णा आ गया है। वो बहुत खुश होती है, बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। वो बोलती है कि कृष्णा, ये अजीब सी खुशबू आप ही की है ना, आप आ गए हो ना मेरे पास, ऐसे वो बोलती है, मन में बहुत सारी बातें सोचती है। तभी कृष्णा वहाँ आता है, अंदर चला जाता है सीधा माता के मंदिर में, और अब देखिए कि वहाँ क्या हो रहा है। कान्हा जैसे ही आता है तो रुक्मणी अपनी आंखें बंद कर देती है, तो कान्हा बोलते हैं कि आज तक मुझे देखने के लिए तरसती थी और जब मैं सामने आया तो तुमने आंखें बंद कर दी। तो वो धीरे धीरे करके आंखें खोलती है और देखती है, बोलती है वही आंख है, वही छवि है, वही मोर पंख है, जैसे कि मैंने अपने मन में आपकी मूर्ति बना रखी थी, पर वो बांसुरी नहीं है। कान्हा, वो बांसुरी कहाँ रह गई? तो वो बोलता है कि वो बांसुरी कहीं रह गई है। यहाँ पर सीरियल ख़त्म हो जाता है, तो आप देखते रहिए आगे। और अगर फ्रेंड्स पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।